मैं हाउसिंग कॉलोनी में था तो मुझे घर से फोन आया। मेरी माँ ने मुझे फोन किया, बोला कि इरफान की डेथ हुई है। तो मैं शॉक हुआ, तो मैंने फोन काटा। तो मैंने डेथ बॉडी वहाँ पे पड़ी थी, मेरे रिलेटिव्स भी वहाँ पहुँचे थे तब तक वहाँ पे। तो फिर जब हमने दरियाफ्त किया मामला क्या है, सुनने में आया कि ये बेचारा बेसिकली एक फ्रूट की रेडी चलाता है। तो ये 5:30-6 बजे अपनी रेडी बंद करके निकला था, गया था अपने छोटे भाई के पास। उसकी जो शॉप है वो भी फ्रूट का काम करता है लाल चौक में। तो उसको बोला था कि मुझे आज अपने ससुराल जाना है बेटी के पास। तो उसको 3500 चाय पी ली थी तो निकला था घर से। तो घरवाल को बोला था इसने कि मुझे गले में कुछ खरोच सी है और एसिडिटी सी लग रही है स्टोमक में। तो बाहर जंगला समिति में एक मेडिकल शॉप है, वहाँ पे ये चला गया था। उस मेडिकल शॉप का नाम है रहमानी चैम्बर। तो इसका इसके पास एक ऑटो भी है लोड कैरियर। तो इसने ऑटो स्टार्ट में ही रखा था उसकी दुकान के पास, और ऑटो स्टार्ट ही था तो अंदर चला गया। तो इसको बोला था कि मुझे कुछ गले में इसकी चार सी लग रही है और स्टमक में पेन है, मुझे कुछ टैबलेट दे दो, दवाई दे दो। तो सुनने में आया है कि मेडिकल शॉप वाले ने इसके इसको इंजेक्शन दी थी। मैं तो वो कहानी सुबह तो वन मैं शाम तो वो नहीं मोहस कर मैं फोन अन मशी किया ना जब उस नहीं ना कि ना तो वो तो आई तो वन क्या तो वन नहीं मैं बस तो फिर ना दे मैं जब दोपन आद के एंड हसर कोर में सशे शंगेत दो मैसेज कहो पाने मशी हटस लागन कहो थे से पाने बिचम कहो तो सोच रहा हस एंड फोन बस हस को फोन खन को तो मैं हस बे मादर दोपन एमएस कर फोन यार फांसो बस सिम को तो बोल मैं हस को बे फोन तो आई तो हस इन मेडिकल वाइज मैं तो एक मोहम मुस्तफा भाई साहब मैं तुम कहते हजार फांसो उसी मेडिकल शॉप वाले ने उसको उधर से उठा के हॉस्पिटल ले लिया। हॉस्पिटल में ट्रोमा सेंटर में डाल के उधर से भाग गया। फिर डॉक्टर लोग आए तो डॉक्टर लोगों ने उसको जब चेक किया तो उसकी डेथ हुई थी उसी टाइम। तो फिर उसके बाद पुलिस आई और हमारे रिलेटिव्स आ गए, दोस्त लोग आए, बाकी लोग आए। तो वहाँ बड़े लोग जमा हो गए, तो पुलिस आ गई। पुलिस ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। तो क्या हुआ कि फिर हमने बोला पुलिस को कि हम डेड बॉडी को गन बोल, हमने बोला कि नहीं ऐसे नहीं लेना है, पहले इसका ये करना है, पोस्टमार्टम करना है। तो फिर शाम को ही पुलिस ने डीसी साहब को फ़ोन किया। डीसी साहब ने भी बड़ा कोऑपरेट किया, उन्होंने उसी टाइम डॉक्टर लोगों को पूरी डॉक्टर की टीम आई तो उन्होंने उनका पोस्टमार्टम करके बॉडी हमारे हवाले कर दिया। अक्सर गसन में दवा फुल है दवा फुल या बासस में आदस के गड़बड़ या चासिस बासस गसन है आन है दवा फुल मगर एम साहब ने सुनते मैं दे दवा फुल है ना दवा फुल क्या चाहिए मैं भी जगह पे इंजेक्शन सर एंड तुम रास्ते से पता भी जैसे मैं पूछने पता पता क्या तुम से क्या हो गुहार लगाई है एडमिनिस्ट्रेशन से कहा जाता है कि उसकी बहुत जो है वो फैमिली अभी यही गुहार लगाई है।